हेमंत जैन जुड़ रहे हैं, जॉइंट एमडी हैं केवल किरण क्लोदिंग के, जो किलर जीन्स आपने आई एम श्योर पहनी होगी, मैंने तो पहनी है। केवल किरण ही कंपनी है वो जो किलर जीन्स के ब्रांड बनाती है, और खबर ये है कि केवल किरण अब जो हमारी टीम है इंडियन टीम की जर्सी के ऊपर किलर लोगो होगा। बहुत ही शानदार न्यूज़। पता नहीं हमारे पास विजुअल्स हैं यानी वो जर्सी के हम दिखाना चाहेंगे। जैन साहब नमस्कार, बहुत ही शानदार डिसीजन है आपका। ये ज़रा समझाएं कि जो ब्रांड को आप पहुंचा रहे जर्सी के ऊपर, ये देखिए क्या बात है, हमारे मैन इन ब्लू जो हैं वो किलर ब्रांड को भी अपने बहुत ही शानदार और एकदम सटीक भी बैठ रहा है। बट क्या थिंकिंग थी आपकी, कैसे आपने ये डिसीजन लिया जैन साहब? इसमें दो चीज़ें, एक तो इंडियन क्रिकेट टीम के साथ जुड़कर हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है, और दूसरा ये था कि हम अपने ब्रांड को मतलब इनहेंसिंग द ब्रांड विजिबिलिटी एंड एस्पिरेशंस वैल्यू, जो हम अपने एक ब्रांड को बढ़ाना चाह रहे थे, इस हिसाब से हमने ये डिसीजन लिया। साहब ये बताइए कि एक लार्जर मैनेजमेंट का ये क्या है, इसका मतलब इसमें समझ क्या है, आप ये ब्रांडिंग एक्सरसाइज करने के पीछे की थॉट प्रोसेस क्या है? मुझे आपका ब्रांड ऑलरेडी बहुत मजबूत है, बट आप जो इसे फैलाना चाहते हैं और देश भर में बिजनेस का के फंडामेंटल्स कैसे चल रहे हैं, आप इसकी थॉट प्रोसेस क्या है? कैसे बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और हम बिजनेस को और बढ़ाना चाहते हैं। जब बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ब्रांड विजिबिलिटी और एस्पिरेशन वैल्यू दोनों को ध्यान में रख के आपको बढ़ाना पड़ेगा। हम ये देख के क्रिकेट आज हिंदुस्तान में क्रिकेट और बॉलीवुड दो ऐसी चीजें जहां पे कोई एज टारगेट या जेंडर का सारे लोग उसमें जुड़े हुए रहते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर ये क्रिकेट से हमारी ब्रांड वैल्यू बढ़े, एस्पिरेशंस वैल्यू बढ़े और विजिबिलिटी कैसे बढ़े, इस हिसाब से हमने ये डिसीजन लिया और हम ये बिजनेस को और एक्सपांड करना चाहते हैं। जैसे कि अभी हम लोग ऑलरेडी बिजनेस अच्छा ही कर रहे हैं, बिजनेस ये साल भी हमें ना करीबन 25% से ग्रो करेंगे और नेक्स्ट 3 इयर्स हम लोग 18-20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देख रहे हैं। राइट, काफी रॉबस्ट नंबर आप हमें मिस्टर जैन बता रहे हैं, इंटरेस्टिंग फिगर्स। हम इनफैक्ट देख भी रहे हैं कि आपने रेवेन्यू गाइडेंस भी जो वाई ऑन वाई दी थी वो 20-22% की दी थी, और वाई वाई रेवेन्यू ग्रोथ भी आपने लगभग यहाँ से 43% तक की है। सो फर्दर गोइंग फर्दर कंपनी किस तरह के और टारगेट्स रखती है? क्या रॉ मटेरियल कॉस्ट अब आपके लिए थोड़ी ईज आउट जरूर हुई है, क्योंकि कॉटन के प्राइसेस तो अब नीचे आए हैं, जिस तरह के जो पीक प्राइसेस थे वहां से मार्जिन भी इम्प्रूव हुए हैं अब? लास्ट ईयर कैसे थे, कॉटन के प्राइसेस बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिला होगा आपको लास्ट ईयर, तो हमने थोड़ी सी हिट भी ली होगी ली थी, लेकिन अब कॉटन के प्राइसेस थोड़े नीचे आए तो मैं ये मानता हूँ कि ग्रॉस प्रॉफिट में इसका इफेक्ट दिखेगा और ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा। ये आपका जो डेनिम का जो मार्केट है काफी कंपेरेटिव भी हो गया है, दूसरे प्लेयर्स बड़े अग्रेसिव हो रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ कि डेनिम का जो यूसेज है, पहले सिर्फ मेंस जो वेयर था वो जीन्स पहनते थे, अब एक तो एवरेज एज जो है जीन्स पहनने वाले की बढ़ती चली जा रही है, 40 इज द न्यू 30, 50 इज द न्यू 40 वाला मामला है। देखिए आपके शक्ल में भी बहुत ही बढ़िया स्माइल लग गई। तो मामला ये है कि देश हमारा एक जवान देश है, राइट, और जीन्स वेयर या डेनिम वेयर उससे जोड़ते हैं लोग कि एक यूथ से, युवा से, तो एक तरह तो कंपेटिटिव स्पिरिट, दूसरा आपका टारगेट ऑडियंस बढ़ता जा रहा है, तो कैसा चल रहा है इस समय इन दोनों का तारतम्य? नहीं, आपने सही बताया कि अभी जीन्स एक ऐसी कैटेगरी हो गई कि एक नॉर्मल आप अगर देखिए तो अब एज बार जैसा कुछ रहा ही नहीं है, आप यंग से जुड़ के आप एज मतलब 50-60 इयर्स तक भी आप है ना अभी जीन्स पहने, जीन्स का चलन बढ़ गया है। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि जीन्स मार्केट में मैं तो अपने आप को बहुत अच्छे से देख रहा हूँ और बहुत एक्सपांशन देख रहा हूँ कि ये मार्केट और बढ़ेगी। एक और चीज मिस्टर जैन, क्योंकि अब आप डिफरेंट सेगमेंट, ये मार्केट भी बढ़ेगी, आप वाइड भी कर रहे हैं अपना बेस भी, और ई कॉमर्स वो कितना बड़ा कंट्रीब्यूटर है रेवेन्यू के लिए? आप ई कॉमर्स सेल्स पर अगर हमें बता पाएं, क्या वो इन स्टोर सेल्स से ज्यादा क्लॉक करती हैं सेल्स ई कॉमर्स पर, कैसा स्प्लिट है दोनों के बीच? ई कॉमर्स हमने ना लास्ट ईयर ही हम लोग ज्यादा इन्वॉल्व हुए ई कॉमर्स बिजनेस में, और ई कॉमर्स बिजनेस एक्सपांड भी हो रहा है। मैं मानता हूँ कि ई कॉमर्स बिजनेस बढ़ेगा और भी बढ़ेगा,
लेकिन ठीक है, अभी भी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा है ई कॉमर्स। आई थिंक सो इट इज नॉट मोर देन 10 to 12% ऑफ टोटल रेवेन्यू विद ई कॉमर्स बिजनेस। ओके जैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया और कंग्रेचुलेशंस आपके थैंक यू सर, आपके थैंक ये यू। डिसीजन को ही बाजार इतना पसंद कर रहा है, इतनी ज़बरदस्त विजिबिलिटी मिल रही है। जब मैंने अनाउंसमेंट देखा तभी मैंने कहा मैं बहुत इंटरेस्टेड हो गया था आपसे बात करने के लिए, और अब समझ में भी आ रहा है कि मैनेजमेंट का ये रीब्रांडिंग का जो एक इनिशिएटिव है इसके पीछे की कहानी क्या है, और फंडामेंटल्स ही बहुत इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये थैंक है यू सर, किलर थैंक जीन्स यू, की कहानी। शुक्रिया जैन साहब, वापस जाते थैंक हैं, जरा चार्ट को लेके आइए। केवल किरण स्टॉक मैं आपको पहले बता दूं कि थोड़ा कम वॉल्यूम ट्रेड होता है ये, तो देख अगर इसमें काम करें तो देख संभल ले करें, लेकिन 511 रुपये का भाव इस समय ट्रेड कर रहा है।